तो गाइज़ मैं एक और नई वीडियो के साथ आ गया हूँ। तो भाई मैंने एक चैनल पे कमेंट देखा था कि भाई ये जो एरो शो होते हैं बॉलिंग पे या बैटिंग कर रहे हो तो वो एरो क्यों होते हैं और उनका मतलब क्या होता है। भाई जैसा कि मैं अब एक मैच लगाता हूँ मैंने कम लेवल के, इनमें तीनों पे एरो जो रेड कलर के शो हो रहे हैं और डाउनवर्ड हैं। इनका मतलब होता है जैसे ये मैं आप बोल्ड करता हूँ, इसको बोल्ड डाल दूँ मैं, ये मैंने बोल्ड की और इसका ये जो नीचे आप एरिया देख रहे हो ये डिस्प्ले परफेक्ट आता है वो इसका ज़्यादा है। लेकिन अगर आप वैसे देखोगे, अगर कुछ भी नहीं आ रहा, कोई एरो भी नहीं आ रहा, तो उसका एरो मीडियम होगा, इसका ज़्यादा लार्ज है। तो अगर ये कोई सा डिस्प्ले भी इसका बहुत ज़्यादा लार्ज होगा क्योंकि इस पे दो एरो आ रहे हैं, यानी कि इसको शॉट मारना ये वाले बैट्समैन को आसान है। इसका आप लोग देख सकते हो परफेक्ट जो कलर आता है ब्लू कलर का, वो बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि इस ये बॉलर के लेवल कम है और इस जो ये बैट्समैन है इसकी ये एबिलिटी है कि इसको इस खिलाफ वो ज़्यादा मार सकता है। इसकी ये एबिलिटी है, देख सकते हैं आप इसका कितने ज़्यादा ब्लू कलर आ। इसी तरह भाई आप देख सकते हो अगर किसी के एरो ग्रीन कलर का है और ऊपर की तरफ है, ये जैसे इस बॉलर के है इसके ऊपर की तरफ है एरो, तो इसका मतलब है कि वो जो उस बैट्समैन के पास आएगा ना वो ब्लू कलर की पट्टी जो आती है दरमियान में परफेक्ट वाली, वो बहुत छोटी होगी और उससे परफेक्ट बहुत कम लगेगी। और यानी कि इससे एबिलिटी इस तरह से कम हो जाती है कि इससे सिक्सेस लगाने के चांसेस कम हो जाते हैं। जिस तरह आप लोग देख सकते हैं ये पट्टी बहुत ज़्यादा कम आ रही है जो ब्लू कलर की है। तो ये लेवल पे डिपेंड करता है और बैट्समैन के लेवल पे भी डिपेंड करता है। बहुत से बैट्समैन होते हैं जो लेग स्पिनर के खिलाफ अच्छे होते हैं, उनके फिर उनके वो आता है येलो कलर का। और ये तो आपके सामने वाले, अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आपके तमाम बॉलर के ऊपर ग्रीन आए, और अगर बैटिंग कर रहे हैं तो फिर तमाम पे अगर रेड कलर का आएगा एरो नीचे की तरफ तो वो ज़्यादा ठीक होगा। तो भाई अगर और भी कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड या क्रिकेट लीग के या रियल क्रिकेट नोटी के, तो भाई कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हो, मैं उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। ओके।